क्या आपने मौत से सामने की लाइव तस्वीर देखी है? एक शहर से ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। ट्रेन के नीचे महिला लेटी हुई है और उसी वक्त ट्रेन के डिब्बे महिला के ऊपर से गुजरने लगते हैं। आखिर में क्या हुआ, आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मौत से सामना लाइव रेलवे ट्रैक पर, जिंदगी नहीं हुई बेपटरी। बुजुर्ग महिला के ऊपर से ट्रेन के कई डिब्बे गुजरे। जिंदगी और मौत के बीच के ये 11 सेकंड दिल दहला देंगे। मौत से सामना की ये लाइव तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। एक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन गुजर रही है, लेकिन इसी ट्रेन के नीचे एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई है। दूसरे साइड पर बुजुर्ग महिला के जानने वाले, उनकी भी धड़कनें तेज हो गई कि कैसे बुजुर्ग महिला की जान बचाई जा सकती है। पटरी के बीचों बीच बुजुर्ग महिला लेट गई, उसी वक्त मालगाड़ी गुजरी, एक के बाद एक कई डिब्बे गुजरे। लेकिन इस स्टोरी का क्लाइमैक्स या कहें इस वीडियो का आखिरी फ्रेम सबको सुकून दे गया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन एकदम से रुकी। लेकिन इस बीच बुजुर्ग महिला जो रेल की पटरी के बीच लेटी थी, उसे खरोंच तक नहीं आई। बुजुर्ग महिला की जान बच गई। शाजापुर के सुंदरसी गांव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक सप्ताह पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल बुजुर्ग महिला सुसाइड करने के लिए पटरी के बीच लेटी थी। पारिवारिक विवाद में उसने एक खौफनाक कदम उठाया था। यहां तक कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिब्बे महिला के ऊपर से निकल गए। एक अच्छी बात रही कि महिला ने हाथ पैर नहीं हिलाए, बीच में ही लेटी रही। उसके बाद बुजुर्ग महिला के पीछे आए उसके परिवार वालों ने ट्रेन के बीच से उसे निकाला। महिला सही सलामत मिली, ये देखकर सबकी जान में जान आई। सवाल ये कि आखिर सुसाइड कहां की समझदारी है। शाजापुर में सुनील हंचौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये खबर हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपको भी ऐसे नंबर से कॉल आए, यहां तक कि आपको आपके बच्चे की भी आवाज सुनाई जाए, उसके साथ ही पिटाई की आवाजें आएं और यह कहा जाए कि आपका बच्चा क्रिमिनल केस में फंस गया है, तो जरा सावधान रहिए, यह कॉल ठगों की हो सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हाईटेक जमाने में हाईटेक अपराधी का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है तो ये अलर्ट करती खबर जरूर देखें। साइबर फ्रॉड की साजिश को ऐसे समझें, ऐसी गैंग अक्सर पेरेंट्स को टारगेट करती है। सबसे पहले व्हाट्सएप कॉल आता है +92 नंबर से। ये पाकिस्तान का नंबर है। जिस नंबर से कॉल आएगा उस पर किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगी होती है। ये फोटो सही भी हो सकती है, जिसे ठग चुरा कर लगा लेते हैं, या फिर फेक फोटो। कल सरगुजा क्षेत्र में लगातार इस तरीके के कॉल आ रहे हैं 92 नंबर से, जो पाकिस्तान का है। ऐसे पालकों के पास जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या वो कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए शहर में ही भी हैं या दूसरे जगह पे हैं, उन पालकों के पास फोन आ रहा है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी की DP लगा व्हाट्सएप का ऑडियो कॉल आता है। कॉल करने वाले नटवर लाल एक्टिंग में माहिर होते हैं, जो बार बार ये कहते हैं आपका बच्चा ड्रग केस में फंस गया है, या फिर रेप केस उस पर लगा है, या फिर कोई और चार्ज की कहानी ये ठग सुनाएंगे। कहानी पूरी फिल्मी होती है। बैकग्राउंड में अक्सर टॉर्चर करने की आवाज आती है, जिससे पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे की थाने में पिटाई हो रही है। ये सुनकर अक्सर शिकार होश खो बैठता है और ठगों की बातों में आ जाता है, जिसमें पीछे से बच्चे को टॉर्चर करने का भी आवाज़ आते रहती है। और साथ ही साथ
पुलिसकर्मी इस बात का एहसास कराता है पालक को कि वाकई उनका बच्चा थाने में है और टॉर्चर हो रहा है, और वो पालकों से कहते हैं कि अगर उनको अपने बच्चे को बचाना है तो तत्काल वो कोई राशि का नाम लेते हैं, आप की लिंक भेज रहा हूँ या नंबर भेज रहा हूँ, इस पर राशि डालें तो आपका बच्चे को छोड़ दिया जाएगा या आपका बच्चा टॉर्चर से मुक्त हो जाएगा। AI तकनीक का भी सहारा लेकर डर दिखाकर ये गिरोह चूना लगा सकता है, जैसे कि आपके किसी अपने की आवाज को हूबहू कॉपी करके भी आपसे बात करा सकते हैं, जिससे ये यकीन हो जाए कि बच्चा फंस गया है। तो ऐसी गैंग के किसी भी झांसे में ना आए जो डर दिखाकर लिंक देकर रुपए ऐंठने की फिराक में रहती है। ऐसे पालकों को सावधान रहने की जरूरत है। सरगुजा में पिछले 2-3 महीने से काल लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पालक उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे हुए हैं, तो ये बहुत साफ टारगेट है सरगुजा, जहाँ पे पालकों को निशाना बनाया जा रहा है कि अगर इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं जो कि अन्य नंबर से आते हैं तो पहले तो इनको उठाए मत और इनको जो है रिस्पॉन्स ना करें, ना ही इनके प्रलोभन में आए। ये पूरी तरीके से साइबर फ्रॉड होते हैं जो आपके जो कीमती कमाई है उनको ले लिया जाता है और उसके बाद में अननोन अकाउंट्स में ये डाले जाते हैं जो कि गंभीर जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरह की अगर ठगी हो जाती है तो निकटतम जो है वो पुलिस थाने चौकी में जा करके FIR करवा करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाएं। यानी ऐसे कॉल से डरना मना है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सावधान रहें ऐसे ठगों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, बहुत जल्द लौट।